अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू को ले रहा हूँ वो हमारे ज़माने का बहुत ही नाजुक, अहम और सेंसिटिव मौजू है। आमतौर पर सब महसूस करते हैं लेकिन शायद इस तरफ ध्यान नहीं आता। मैं आज औरत के ऊपर व्लॉग कर रहा हूँ। ये पार्ट वन होगा, इस तरह से होता रहेगा। वुमेन, तो ये देखें आप के इंसान इस दुनिया में सबसे प्यारी शख्सियत से जो मुतारिफ होता है तो वो माँ से होता है। माँ से होता है, माँ जो पूरे तौर पर मोहब्बत और प्यार से उसको देखती है। जब वह दुनिया में आता है तो पहला प्यार उसको माँ का मिलता है। माँ उसको जन्म देने के बाद में उसको प्यार करती है। ये पहला प्यार होता है और सारी ज़िंदगी अपने प्यार के अंदर रखती है। उसको प्यार से देखती है, प्यार से खिलाती है, प्यार से बातें करती है और प्यार प्यार से उसके लिए दुआएं करती हैं। माँ, हम उसे माँ कहते हैं। माँ, मम्मी, मम्मी, वी कॉल हर मदर। दी ओनली पर्सिटी वी आर इंट्रोड्यूस इन दिस वर्ल्ड इज दी ओनली वुमेन हु इज़ अवर मदर, हु इज़ अवर मदर, मदर, मदर। Whether we call it mummy or in our any language, I call my mummy अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। ये एक ऐसी जान है जो तमाम जानों पर फिदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ बड़ी चीज़ है। माँ एक वाहिद वो उस दुनिया के अंदर शख्सियत है जो किसी गरज के बग़ैर फिदा होती है अपनी औलाद पर, निसार होती है अपनी औलाद पर। और देखो ये औरत, ये माँ औरत है। ख्याल करें मेरा जो मौजू है औरत है, लेकिन उसमें सबसे पहली प्यारी चीज़ जो हमें इस दुनिया में मिलती है, हम जब आँख खोलते हैं तो उसी की गोद में परवरिश पाते हैं, उसी की गोद में परवरिश पाते हैं। माँ, माँ और माँ। सोचें ज़रा कितनी अजीम शान चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी माँ के, अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। माँ की कितनी अहमियत है, कितना मुकाम बुलंद है, कभी सोचा आपने? औरत का सोच के बाद ऐसे ही निकल जाते हैं। अरे माँ की वजह से ही दुनिया चल रही है, माँ की वजह से ही दुनिया आबाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माँ का दर्जा बाप से तीन गुना ज़्यादा किया है, 3 ग्रेड में ऊपर रखा है माँ को। क्यों? कि माँ जब पैदा होता है पहले तो उसे अपने पेट में रखती है, और जब पैदा होता है तो उस पर निसावर हो जाती है, वारी वारी जाती है, उस पर अपनी तमाम तवानियाँ खर्च कर देती है और शुरू में उसको अपने जिस्म की तवानाई, अपने खून को दूध में तब्दील करके बेहतरीन जिस्म के विटामिन उसको पिला देती है, परवान चढ़ाती है वो माँ। हाय माँ, अरे सारी दुनिया मिलके मुल्क मेरे साथ का है। माँ इस वक्त देखो कायनात के अंदर, कायनात की फिजाओं में माँ, माँ की रूह तड़प रही है, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ, मैं उसे अम्मी जान कहता था, प्यार से अम्मी जान कहता था। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान। ये माँ है इस दुनिया के अंदर सबसे पहली शख्सियत औरत की जो हमें मुतारिफ होती है, जिसको हम देखते हैं वो माँ की शक्ल में देखते हैं। दोस्तों, ये माँ बहुत अजीम चीज़ है। सारी दुनिया में खूबसूरत तरीन लफ्ज़ जो अगर दिया जाता है तो मदर के लिए दिया जाता है। मदर, माई मदर, माई रेस्पेक्टफुल मदर, माई हार्ट, माई स्वीट हार्ट मदर। वी शुड कॉल हर द सोल ऑफ ऑल ऑफ माई लाइफ।
I can't explain it fully because it is too vast and too hidden power in this world that we cannot explain the personality of the mother in some words. It has overwhelmed over the world because she is nourishing the world. You know, ये दुनिया ही माँ से कायम है, अगर माँ ना होती तो हम भी ना होते। सोचें ज़रा, औरत को हम बस ऐसे ही सोच लेते हैं, बस सोचे तो सही, ये पहली शख्सियत है जिसे औरत हम बाद में कहते हैं, ये पहली शख्सियत है जिससे हम मुतारिफ होते हैं, वह है माँ, माँ, माँ। अब आप सोचें कि ये माँ हमारी ज़िंदगी में कहाँ तक जाती है, हमें परवान चढ़ाती है, बच्चे से बड़ा करती है, बड़े से जवान करती है। ये माँ है, अपनी तमाम तवायान तवानाइयाँ सर्व कर देती है। अल्लाह ताला ने इसी वजह से इसका मुकाम 3 गुना बाप से ज़्यादा रखा है। लेकिन अभी मैं इंसान से पूछता हूँ, इस दुनिया के इंसान से पूछता हूँ कि इस माँ के साथ, माँ के बाद में जो हमारे सामने शख्सियत आती है, बहन की आती है, बेटी की आती है, अल्लाह अकबर, ये दोनों शख्सियतें बड़ी मुतबर्रक हैं। बहनें फिदा होती हैं भाइयों पर, बेटियां माँ बाप के ऊपर जान निसार करती हैं। अरे औरत को किस रूप में देखना चाहते हो तुम? औरत बहुत ही नाजुक और बहुत ही खूबसूरत उनवान है दुनिया में, जिसके तहत ही दुनिया पदमान चढ़ रही है। दोस्तों, मैं आज आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम माँ, माँ और माँ के मुतालिक सोचें और सोचें कि उसने अपनी तवानाइयाँ हम पे किस तरह खर्च की, हमें किस तरह से उसने तमाम मुसीबतों से बचाया, और फिर आखिरी लम्हे तक वो ये सोचती रहती है कि हम अमन और सुकून से रहें। सारी दुनिया की माएँ इस वक्त जो आसमान पर रूहें देख रही हैं अपने बच्चों को, कोई भी नहीं चाहता कि वो मुसीबत में मुब्तला हों, वो अमन से दूर हो जाएं, आपस में दस्त और गिरबान हो जाएं। माएँ कभी नहीं चाहती कि उनकी औलाद को तकलीफ़ पहुँचे। इस पहलू से सोचें आप कहाँ हैं, किस मुकाम पर खड़े हैं। देखो तो सही, आपकी माएँ आपको महफूज चाहती हैं, अमन से चाहती हैं, पीसफुल चाहती हैं, मगर हमने क्या किया है, हमने क्या किया है? चारों तरफ आग ही आग खड़ी है, हर तरफ लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। एक घर में रहते हुए डिवीज़न है, मुल्कों में आपस में डिवीज़न है, अजीब इंसान तकसीम हो गया है शैतान की नरगे में आकर। आप सोचें, सिर्फ माँ के लिए सोचें, माँ कितना प्यारा लफ्ज़ है, दुनिया का खूबसूरत तरीन, प्यारा, मोहब्बत से भरा हुआ। समझ लिए आप कि ये जो है हमारी ज़िंदगी का रस है, ये हमारी ज़िंदगी की खुशबू है। हम जहाँ माँ कहते हैं, हमारे वजूद में एक लहर से उड़ जाती है, हम जो हैं बेताब हो जाते हैं। माँ, मैं अपनी माँ को अम्मी जान कहता था, अम्मी जान, अम्मी जान, चेहरा सामने आ जाता है, वो प्यारी माँ का चेहरा ना सामने आता है, वो मेरी कामयाबी पर कितनी खुश होती थी। हर माँ अपने बच्चे की कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश होती है, वो अपनी जान की तमाम खुशियाँ अपने बच्चे पर निसावर कर देती है। तो ये माँ है जिससे दुनिया बनी है। सोचें ज़रा आप माँ के रूप में औरत को देखें, फिर सोचें कि हम इस माँ के साथ अपने बाद में बहन बेटी के साथ हमारे क्या रवैये हैं, हम किस तरह से गुज़र कर रहे हैं, हम किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, हर जगह माँ और माँ और माँ। सारी दुनिया मेरे साथ मिलकर कहें माँ, ओ मम्मी, ओ मम्मी। इस वक्त पूरी कायनात के अंदर माँ की रूहें आपको देख रही हैं, आप
अमन की तरफ आएँ, आप सुकून की तरफ आएँ, चैन की तरफ आएँ। किसी की माँ भी ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे को तकलीफ़ पहुँचे। किसी भी दुनिया की किसी भी खत्ते की माँ नहीं चाहती कि उसकी उसके बच्चे को तकलीफ़ पहुँचे। अब सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, ये दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, क्या माओं की रूहें खुश होंगी अगर हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में फसाद करेंगे और हम एक दूसरे की इज्जतों में से खेलेंगे। सोचें ज़रा, माँ के मुकद्दस लफ्ज़ को ज़्यादा सब्र करते हुए आप सोचें कि आप कहाँ खड़े हैं। मैं आज का वीलॉग सिर्फ मुकद्दस नाम माँ के ऊपर पूरा करता हूँ और ख़त्म करता हूँ कि ये माँ जो है ना बड़ी कीमती चीज़ है, जिससे ये दुनिया कायम और दायम है और आखिर तक इसी माँ से चलेगी। मगर अफसोस तो ये है कि औरत के इस माँ के नाम के साथ आप क्या कुछ भूल जाते हैं, कुछ ख्याल नहीं रहता। यही औरत बहन के रूप में भी आती है, यही औरत बेटी के रूप में भी आती है। क्या हम सोचते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं? हमारी माएँ माओं की रूहें जो ऊपर से हमें देख रही हैं, क्या हम उनको खुश कर रहे हैं? क्या उनको खुशी हो रही है हमारे अमाल से? सोचें ज़रा, माँ मेरी अम्मी जान, मैं किस तरह से पुकारूँ अपनी माँ को? आप भी किस तरह से पुकारेंगे अपनी माँ को? पुकार के तो देखें, जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है वो रूहें आसमान पे आपको देख रही हैं, आपकी खैरियत की तालिब हैं, आपके अमन की तालिब हैं, इस दुनिया में अमन और सुकून की तालिब हैं। ये पूरी दुनिया माँ से ही तो बनी है। अब ये देखिए कि हमने दुनिया को कहाँ खड़ा कर दिया है। अब ये देखते हुए आप सोचें कि माँ मम्मी मदर, हाउ स्वीट वर्ड इट इज़, हाउ वी फील इट इन टू दी डीप हर्ट फॉर हर, वी कॉन्ट पे एनीथिंग टू हर इन रिपेट इन अगेंस्ट दैट लव विशी गेव टू अस। माई डियर ब्रदर, वी मस्ट थिंक ऑफ मदर एज वेल एज वुमेन। The pious relation which we find in our life is of mother, mummy, ammi jaan, for the God's sake, we must think for a little bit that our mother don't want us in trouble. Don't want us to see in trouble. We should be in peace and harmony. We must pass this world. We must live in this world in peace and harmony. To love each other, we are the children of our mother. Mother. मेरी अम्मी जान। ये वो मुकद्दस चीज़ है जिसको हम बाद में औरत कहते हैं, द वुमेन, द पायस रिलेशन विच वी फाइंड इन दिस वर्ल्ड इज इन द शेप ऑफ मदर, लवली मदर, प्रेटी मदर, स्वीट मदर। हाउ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, How we feel, we must feel about mother. We don't bother to think deep for her. अगर हम अपनी माँ के मुतालिक ही सोचने लगें तो हमारी ज़िंदगी बन जाए। हाय माँ हमें किसी लम्हे में भी हमसे गाफिल नहीं होती और हम बड़े होकर उससे गफलत कर लेते हैं। बहुत सी माएँ आज ओल्ड एज हाउस में हैं। आए हाय, सोचें ज़रा हम क्या कर रहे हैं। वो शख्सियत जिसने हमें इस दुनिया में जवान किया, पाला बड़ा, अपने जिस्म की सारी प्यारी प्यारी विटामिन्स और सब पिला दिए दूध की शक्ल में, हम क्या उसकी माँ के साथ में जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? माँ के शक्ल में जस्टिफिकेशन कर रहे हैं? अरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
उसको इस दुनिया में इन मर्द से 3 गुना ज़्यादा स्टेज ऊपर दिए हुए हैं, सिर्फ उसकी इसी खसूसियत की बिना पर, इसके फिदा हो जाने की खसूसियत पर, जिस फिदा फिदवियाना है, जिस अंदाज में होलेली एंड सोलेली आई शुड कॉल वाट आई शुड कॉल फॉर हर, देर इज नथिंग लेफ्ट टू इन दी रेस्पेक्ट ऑफ मदर टू से गुड और गुड बेटर देन गुड. आई कॉन्ट से दैट आई कैन जस्टिफाई द सर्विसेज ऑफ माई मदर विच वी गेव टू मी विच शी गेव टू मी. माई डियर ब्रदर, थिंक फॉर इट एंड कॉल योर मदर, ओ मम्मी, ओ मम्मी, ओ अम्मी जान, ओ मेरी प्यारी अम्मी जान. ये अम्मी जान जो हैं, ये कायनात की पहली हस्ती हैं जिससे हम मुतारिफ होते हैं इस दुनिया में. ये देख लें कितनी मुकद्दस हस्ती है माँ की. दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकद्दस हस्ती सिर्फ़ और सिर्फ माँ की है. मैं इसी बात पर ख़त्म करता हूँ. मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान.